नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप पीछे ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसको कि यहाँ पे तीन तड़ाक तितड़िक भी कहते हैं, आई एम प्रिटी श्योर आप उस ब्लैक फ्रैंकोलिन की कॉल, जिसको हम गढ़वाली में तीन तड़ाक तितड़िक कहते हैं, सुन सकते हैं। आई थिंक नाउ यू कैन वेरी क्लियरली हियर इट। उसकी आवाज़ जो है यहाँ सामने झाड़ियों से आ रही है, छुपा हुआ है वो। और आज मैं जो है, आप देख रहे होंगे आज का लैंडस्केप जो है बहुत ही अलग है, क्योंकि आज मैं एक दूसरे गांव आ रखा हूँ थोड़ी सी फोटोग्राफी करने के लिए। सिर्फ एक रात का सफ़र है, मतलब एक नाइट के लिए आया था मैं। कल शाम को आ गया था मैं, आज सुबह की बात है। तो सामने आप देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे होंगे चीड़ के पेड़ हैं। जो ये पीछे वाली घाटी है, जो ये सामने घाटी चल रही है, ये जो है केदारनाथ की घाटी है। इस चीड़ के पेड़ के पीछे गुप्तकाशी है। ये सामने जो देख रहे हैं आप घाटी, दिस इज़ गोइंग टुवर्ड्स रुद्रप्रयाग। यहाँ पर जो बड़ा सा टाउन है वो ऊखीमठ है। पीछे में आप कार्तिक स्वामी का पहाड़ भी देख सकते हैं। पीछे हरियाली देवी का टेंपल भी है, पहाड़ भी है, जिसे हम बहुत मानते हैं। एंड ये जो सामने का पहाड़ है, ये वाला पहाड़ इस रिज के पीछे है कहीं मनसूना। तो मैं बेसिकली जो पहाड़ है सामने वाला, उसके पीछे एक रिज है, वहाँ पे है मनसूना का गांव। तो मैं मनसूना के ठीक सामने वाले पहाड़ पर हूँ। I came here for a night, और अब मैं थोड़ी सी बर्डिंग के लिए निकला हूँ। यहाँ पे बर्ड्स की एक्टिविटी होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। द रीज़न बीइंग कि जो माउंटेन है, दिस प्रीडोमिनेंटली फेसेस यू कैन से सॉर्ट ऑफ साउथ। तो यहाँ पे जो है सुबह 6 बजे धूप निकल जाती है आजकल, और शाम को धूप ढलने तक यहाँ पे धूप रहती है। तो ये काफ़ी गर्म इलाका है कंपेयर टू मनसूना। हाइट है यहाँ की 1500 मीटर के आसपास। तो हाइट वाइज दिस इज़ एट अ हायर ऑल्टीट्यूड कंपेयर टू मनसूना। लेकिन क्योंकि ये स्लोप ऐसा है कि इट फेसेस द सन ऑलमोस्ट ऑल द डे, ऑलमोस्ट द फुल डे, तो यहाँ पे काफ़ी गर्म रहता है। ये मेरे ठीक सामने मधमेश्वर के जो पहाड़ हैं, जो मधमेश्वर घाटी है इसी तरफ है, मतलब ये पूरी घाटी मधमेश्वर घाटी है। तो इन सामने जो है मधमेश्वर जो है वो ठीक, आई थिंक यू कैन सी सम स्नो क्लैड रिजेस देर। तो उन्हीं स्नो क्लैड रिजेस में वहीं पे नीचे मधमेश्वर है, और यहाँ से छोटा सा स्नीक पीक है चौखंबा का। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा ईस्ट की तरफ से नॉर्थ, जो मैंने आपको स्लोप्स दिखाए, तो वहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल सन निकलने वाला है थोड़ी देर में। एंड हम चले हैं थोड़ी सी बर्डिंग के लिए। यहाँ पे रसद स्पैरो की फीमेल थी वहाँ पे एक। वहाँ पर इस गांव का एक छोटा सा मंदिर, एंड अगेन ये सामने जो है गुप्तकाशी दिख रहा है, जो बड़ा सा टाउन है। और ये रास्ता जाता है आगे केदारनाथ की तरफ, जिस पे आजकल काफ़ी दबा के ट्रैफिक चल रहा है।
बिकॉज यात्रा का सीज़न है, इसलिए बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो मैं जो है थोड़ा एक यहाँ से रूट जाती है कालीमठ की तरफ, कालीमठ सिद्धपीठ है देवी का एंड बहुत ही पावरफुल जगह है कालीमठ, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। और हम गढ़वालियों के लिए तो, हम पहाड़ियों के लिए तो कालीमठ इज सम प्लेस एल्स। कोई बहुत सुंदर मंदिर नहीं है, मतलब बहुत सुंदर लोकेशन नहीं है मंदिर की, गंगा के किनारे है, लेकिन बहुत ही पावरफुल मंदिर। तो इसी गांव से एक रास्ता जाता है कालीमठ की तरफ, मैं उसी रास्ते पे जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जाऊंगा, मतलब लेट मी सी क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। ठीक सामने चीड़ के पेड़ पे एक रेड बेल्ट ब्लू मैगपाई है, लेकिन उसकी सिर्फ कॉल ही आ रही है, कांट सी इट, फिलहाल चुप है वो। पीछे लॉन्ग टेल्ड मिनीमेट्स की कॉल भी आ रही है। आई होप यू कैन हियर दैट कॉल, दैट इज अ रेड बेल्ट ब्लू मैगपाई की कॉल है वो। एंड अब हम लगभग और इस तरह अब हम रोड पे आ गए। सामने आप देख रहे होंगे बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं, एक ग्रे रेड वॉबलर की कॉल भी आ रही है सामने से। हेलो ब्रो, हेलो, खेलना नहीं। तो सामने एक हुप्पोई, आई थिंक उसको हुप्पोई बोलते हैं, वो बैठा हुआ था। हुप्पोई जो है यहाँ पे समर विजिटर है, और मंसूरा में हुप्पोई नहीं आता है। आई डोंट थिंक आई हैव सीन इट, और आई माइट सी हैव सीन इट Probably once, I don't remember, but I don't think मैंने उसको देखा है। तो वहाँ पर नहीं आता है हुप्पोई, हाँ मनसूना में नहीं आता है, या आई रिमेंबर इट नाउ, बिकॉज मनसूना जो है ठंडा इलाका है, भले उसकी हाइट यहाँ से कम है, बट वो जो है काफ़ी ठंडा इलाका है। ये जो एरिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो हुप्पोई यहाँ पे समर्स में आता है, लेकिन चूँकि वो ठंडा इलाका है तो वहाँ पर हुप्पोई नहीं आता है। और इस जगह की हाइट मनसूना से ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी वो जो गर्म इलाके की पक्षी है वो यहाँ पे आती है। सो एज यू कैन सी, भले ही हाइट ज़्यादा हो, डज नॉट, उससे ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं आपके, जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपको गर्म बर्ड्स नहीं मिलेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माउंटेन स्लोप, वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अगर ऐसा स्लोप है जिस पर धूप ज़्यादा पड़ती है, तो टिल अ पर्टिकुलर हाइट वहाँ पे गर्म बर्ड्स भी डेफिनेटली आएंगे। एंड अगर ऐसा इलाका है जो ठंडा है, और भले लोअर ऑल्टीट्यूड पे, बट वो ऐसा है कि वहाँ पे धूप कम आती है, तो वहाँ पे आपको ठंडी बर्ड्स मिलेंगे। तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ फिक्स्ड रूल, so I hope I was able to make myself clear. तो अब भी हम इन चीड़ के जंगलों से ही चल रहे हैं। आई वॉज होपिंग कि मुझे कहीं पर जंगली मुर्गे दिख जाएँ, क्योंकि बाकी तो यहाँ पर एक्टिविटी बहुत कम है। नीचे आप एक नदी देख पा रहे होंगे, आई होप यू कैन सी इट। तो जो ये नदी है, ये कालीमठ से आ रही है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस नदी का नाम जो है सरस्वती गंगा है।
आई माइट बी मिस्टेकन, आई डोंट नो। चीड़ के पेड़ जो है दे मेक फॉर वेरी गुड शूटिंग परचेस, मतलब उसमें बहुत ही अमेजिंग, जब कोई बर्ड पर्च करती है तो चीड़ के पेड़ों पे बहुत बढ़िया शॉट्स बनते हैं। ऑफकोर्स हिमालय के हिसाब से, ग्लेशियर्स के हिसाब से, ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से चीड़ के पेड़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बिकॉज जहाँ पे चीड़ के पेड़ होते हैं वहाँ पे कोई और स्पीशीज का पनपना मुश्किल हो जाता है। बस चीड़ जहाँ पे गिरती हैं, चीड़ जहाँ पे होते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सारे पत्ते हैं, इसको पत्ते बोलेंगे, लीव से बोलेंगे उनके, ये चीड़ के हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर भी चीड़ है, सब जगह चीड़ है, तो जहाँ भी चीड़ होते हैं वो उनके वो तो सारे पत्तों को ऐसे गिरा देते हैं, ठीक है। और मतलब डेंसिटी इज़ क्वाइट हाई इनफ एंड इट इज़, यहाँ तो सड़क है इसलिए यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, बट अगर आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो जहाँ भी चीड़ के पेड़ हैं वहाँ पे इनकी जो डेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि जो उसके नीचे की जो प्लांट लाइफ है, अगर कोई सीड है भी वहाँ पे, तो दे जस्ट कवर इट एंड दैट प्लांट इज़ नॉट एबल टू ग्रो अप। तो ये पूरा उसको ढक लेते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट चीड़ी के आसपास सिर्फ चीड़ी होगा, बाकी और कोई स्पीशीज़, कोई मेजर प्लांट होने के चांसेस बहुत ही कम है। एंड जो चीड़ है वो गर्म इलाके का प्राणी है, उसको अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जो चीड़ के पेड़ होते हैं उन्हें सैम्पलिंग से एक पूरा बड़ा पेड़ होने में आई थिंक दे टेक, आई माइट बी रॉन्ग हियर, बट आई थिंक दे टेक 5 to 6 years में वो काफ़ी लंबा हो जाता है। उनको पानी कम चाहिए, उनको हीट ज़्यादा चाहिए, एंड सबसे बड़ी बात जहाँ वो होते हैं, सो दीज आर नॉट द काइंड ऑफ ट्रीज दैट विल होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दे प्रेफर ड्रायर क्लाइमेट्स। इसीलिए पहाड़ों में जहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है वहीं पे आपको चीड़ के पेड़ मिलेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाते हैं ठंडे इलाकों में, तो आप देखेंगे चीड़ के पेड़ नहीं होते हैं या फिर कम होते हैं, एंड देन यू सी डिफरेंट स्पीशीज़ जो हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी चीड़ के पेड़ के बारे में, जो कि हिमालय के लिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम असिस्ट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में, तो ये भी ऊपर ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मेरे ठीक सामने एक ब्लू विस्लिंग थ्रश है, लेट मी सी इफ आई कैन शूट इट। तो एक बहुत ही अमेजिंग साइटिंग हुई अभी, एंड फ्रैंकली एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में था कि आई प्रॉबली वुड सी दैट स्पीशीज जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे ठीक सामने एक चीड़ का पेड़ है, इस पीछे आवाज़ आ रही है हेलीकॉप्टर की आ रही है, तो मेरे ठीक सामने इस एक चीड़ का पेड़ है। तो इस चीड़ के पेड़ पे एक ब्लू विस्लिंग थ्रश था, ब्लू विस्लिंग थ्रश को मैं शूट कर ही रहा था कि तब भी मैंने देखा कि सड़क पे एक ब्राउन गोरल की फीमेल आई गेस एंड उसके साथ एक बच्चा था। चूंकि बच्चा था तो इसीलिए आई एम अज्यूमिंग इट्स अ फीमेल, तो ब्राउन गोरल का फीमेल और एक बच्चा, उन्होंने सड़क को मुझे देख के फट से क्रॉस किया दौड़ते दौड़ते। उसके बाद नीचे पहाड़ी का स्लोप है, वहाँ पे जाके तो मोस्ट मैमल्स की हैबिट है कि जब वो कोई खतरे को देखते हैं तो पहले तो वो भागते हैं उसकी तरफ नहीं, पहले तो उसे दूर भागते हैं, एंड देन आफ्टर सर्टन डिस्टेंस
डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद दे विल स्टॉप एंड दे विल लुक बैक एट व्हाट इट इज़। तो वो उन्होंने सड़क को क्रॉस किया थोड़ा सा नीचे के स्लोप पे एंड देन दे स्टॉप्ड एंड आई वाज एबल टू मेक दिस छोटा सा क्लिप ऑफ ब्राउन गोरल एंड उसकी उसका उसका बच्चा। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि कितने एक्सपर्ट क्लाइंबर्स हैं ये, पहाड़ों में चलने के लिए कैसे बने हैं इनकी हूस, बिकॉज जिस स्लोप से वो उतर रहे हैं, जिस स्लोप से वो भाग रहे हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी स्टीप स्लोप, ऑलमोस्ट 60-70 डिग्रीज इवन मोर, एंड उसके बावजूद भी दे आर नॉट वॉकिंग, दे आर जस्ट रनिंग ऑन दो स्लोप्स। तो ब्राउन गोरिल के साथ मैंने पहले भी बहुत टाइम स्पेंड किया एंड आई वॉज होपिंग टू सी इट, कि मुझे ये था कि सुनसान रोड है, दिखने के चांसेस हैं यहाँ पे, एंड आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड एंड आई वॉज एबल टू शो दिस ब्यूटिफुल पैर मम्मी और उसके बच्चे का। सो दैट वॉज नाइस। यहाँ से सड़क क्रॉस की उन्होंने और यहाँ से उतरे थे नीचे, एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट दे बेंड डाउन, यहाँ से उतर के वो नीचे चले गए। आई कांट सी देम एनी मोर, लेकिन सामने की घाटी का नज़ारा देखिए आप, बहुत सुंदर लग रहा है, दिस ब्यूटिफुल मैन। तो अब हम थोड़े से और आगे चलते हैं, एंड एज यू कैन सी द रोड इज वेरी ब्यूटिफुल, बहुत शांति है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अनइंटरप्टेड व्यू है ये केदारनाथ घाटी का। एंड नीचे आप अगेन सरस्वती, ए आई एम रॉन्ग, दिस इज नॉट सरस्वती, या दिस कैन नॉट बी सरस्वती, दिस इज एक्चुअली मंदाकिनी। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका संगम जो है दिस इज एक्चुअली मंदाकिनी, बिकॉज ये जो रास्ता है ये कहीं, हाँ ये जो घाटी है ये केदारनाथ की घाटी है, तो दिस इज मंदाकिनी, बट कहीं ना कहीं यहीं पे आगे या फिर पीछे इसका संगम है सरस्वती गंगा के साथ जो कि कालीमठ से आती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बर्ड्स की एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड यहाँ पे धूप जो है बहुत जल्दी आ जाती है, बट आई हैव कम टू दिस ब्यूटिफुल बेंड इन द रोड एंड यू मस्ट सी इट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये है रोड एंड ये है सामने की घाटी का नज़ारा, ये हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जिसके शोर से तो ये सामने की घाटी का नज़ारा, बहुत सुंदर व्यू है दोस्तों, वाह एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सामने बुग्याल दिख रहे हैं, उसमें बर्फ गिरी हुई है। ओह मैन दिस लाइफ इज ब्लेस्ड, धूप आने लगी है सामने एंड बहुत जल्दी इस रिज के पीछे से यहाँ पर भी धूप आई जाएगी। सो आई थिंक दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू एंड दिस बर्ड वॉक या फिर व्लॉग। अब मुझे जिस रास्ते आया था उसे रास्ते वापस जाना है एंड अगर कुछ मिलता है नया, कुछ होता है तो आई विल कम बैक टू यू, अदरवाइज आई विल टेक अ वेरी
आई विल टेक अ वेरी स्लो एंड अ वेरी रिलैक्सिंग वॉक बैक टू द विलेज जहाँ से मैं आया था। सो अगर आपने ऐसे यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, एंड मोर देन विजुअली यहाँ पे जो होने का एक्सपीरियंस है इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। तो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो किसी और घाटी से, तब तक के लिए बाय।